फैब्रिक को जन्मे लोग जीवन में या तो बेहद सफल व्यक्ति साबित होते हैं या फिर बुरी तरह से असफल रहते हैं। आप लोग मध्यमार्गी नहीं होते हैं, क्योंकि आप लोग कर्म प्रधान होते हैं। किस्मत की अपेक्षा अपनी मेहनत पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। भाग्य भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। कभी किसी के साथ बुरा करने की नहीं सोच सकते। हमेशा एक ही बात मन में समाई रहती है कि आपके हाथों कहीं किसी का बुरा ना हो जाए। आप लोग एकांत प्रिय हो ज्यादा होते हैं। आसानी से लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाते हैं। पूरी तरह देखने समझने के बाद ही किसी की और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। एक्चुअली आप लोगों को समझ पाना आसान नहीं है। आप लोग गंभीर स्वभाव के हैं, अंतर्मुखी हैं, मेहनती हैं, मस्ती मजाक पसंद नहीं, लेकिन जब दोस्तों के साथ होते हैं तब सहज और सरल रहते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं लाइफ में। किताबी ज्ञान से ज़्यादा अपनी लाइफ के स्ट्रगल से, उन एक्सपीरियंस से सबक लेकर आप आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सख्त स्वभाव लिए होते हैं। कुछ ना कुछ अध्ययन करते रहना आपको अच्छा लगता है। अपने आप में ही मस्त रहना, व्यस्त रहना आपको भाता है। लाइफ के डिसीजन भी बहुत सोच समझ कर लेते हैं। बिना सोचे समझे फालतू किसी से ज़्यादा बात करते नहीं हैं। उतना ही बोलते हैं जितना ज़रूरी समझते हैं। खुली सोच के मालिक हैं, नैरो माइंडेड नहीं होते। कुछ गलत लगता है तो आवाज़ भी उठाते हैं, मन में रखकर घुटते नहीं हैं, पीठ पीछे बुराई करते नहीं हैं। लाइफ के प्रति अगर पूरी तरह से फोकस्ड हो जाते हैं तो अचीवमेंट भी हासिल कर लेते हैं। अपनी प्लानिंग्स के बारे में बढ़ चढ़ कर नहीं बखान करते, यानी कि अपने किए काम का ये बखान नहीं करते, बल्कि इनका काम बोलता है, इनकी अचीवमेंट बोलती है। रूटीन लाइफ इनकी बिजी ही होती है। या तो बहुत ज़्यादा आलसी होकर पड़े रहते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा ये मेहनती होते हैं। बात जब मेहनत करने की आती है तो अपने खाने पीने सोने तक की सुध-बुध खो बैठते हैं। उस वक्त तो जो मिला सो खा लिया। इस कारण इनकी दिनचर्या रूटीन इनका डिस्टर्ब ही रहता है। पैसे की कदर करना ये जानते हैं। बहुत ही सोच समझ कर खर्चा करते हैं, जिस कारण आप धन भी जोड़ लेते हैं। लोग भले ही आपको कंजूस की श्रेणी में रखते हों, लेकिन जब जहाँ जरूरी समझते हैं खूब खुलकर खर्चा भी करते हैं। काफ़ी चूजी होते हैं, ब्रांडेड हाई क्लास चीज़ें खरीदते हैं। कपड़े से जूतों तक में इनका नवाबी शौक भी देखने को मिलता है। बुद्धिमान तो है ही, बिजनेस माइंडेड भी हैं। शनि भले ही इनको लेट रिजल्ट देता हो, लेकिन इनको इनकी मेहनत का फल अवश्य मिलता है। यानी कि आपकी लाइफ का सेकेंड चैप्टर बहुत ही अच्छा गुजरता है, लेकिन लंबे और कड़े संघर्ष के बाद। अंक शास्त्र में 8 का अंक शनिदेव के अधीन है। 8 के इस अंक को भाग्यशाली इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि शनि विलंब से रिजल्ट देते हैं। बिना मेहनत, ईमानदारी से कर्म करवाए बिना ये फल नहीं देते। इसलिए उम्र के 35वें वर्ष के बाद ही जाकर ये अपनी लाइफ में धीरे धीरे सेटल होना शुरू कर पाते हैं, और उसके बाद कड़ी मेहनत करने पर धीरे धीरे प्रगति के मार्ग पर चलते चले जाते हैं। फिर आप पीछे पलटकर भी नहीं देखते हैं, क्योंकि सफलता आपके कदम चूमने लगती है। बस शर्त यही है कि आपको किशोर अवस्था से ही कड़ी मेहनत करनी होगी। पूरी लगन से अपने काम को करना होगा, धैर्य रखना होगा, अपने कर्म पर विश्वास रखना होगा, और अपने इसी दृढ़ निश्चय के बल पर ही एक दिन आप सुदृढ़ व्यक्तित्व के स्वामी बनते चले जाते हैं। और अपनी इन्हीं महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आप अपने रास्ते पर, अपने कर्म पथ पर अडिग रहते हैं और एक दिन ऊंचा मुकाम हासिल भी कर लेते हैं। आप लोग धार्मिक प्रवृत्ति रखते हैं। बात के इतने पक्के कि जो काम हाथ में लिया उसे भारी विरोध में भी पूरा करके ही दम लेते हैं, चाहे उसके लिए आपके कितने भी शत्रु पैदा क्यों ना हो जाएं। आप लोग या तो बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक हो सकते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा भौतिकवादी, सांसारिक सुख सुविधाओं में लिप्त रहने वाले या फिर अत्यधिक धार्मिक कृत्य करने वाले। आप जिस रास्ते का भी चुनाव करते हैं उसमें पूरी तरह से खो जाते हैं। अगर धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो पूरे कट्टरवादी बन जाते हैं। आध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं तो एक उच्च कोटि के आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं और विश्व को अध्यात्म का संदेश देते हैं। अगर पैसा कमाने पर आ जाए तो इनसे बड़ा और अच्छा भौतिकवादी, पूंजीवादी कोई नहीं होगा। बस आप में जन्मजात कुछ करने की लगन होनी चाहिए। अपने आप को पहचान लिया तो उच्च शिखर पर, वरना धरती पर बोझ बनकर एक दिन इस दुनिया से आप विदा हो लेते हैं। अब बात अगर आपकी नकारात्मक पहलू की कर ली जाए तो स्वभाव से आप एनालिस्टिक हो सकते हैं। आप लोगों में आदत होती है हर किसी को जांचने की, परखने की, उनका विश्लेषण करने की। ये ऐसा है, वो वैसा नहीं है, उसे ऐसा करना चाहिए। लोग आपके इस स्वभाव को पसंद नहीं करते हैं और धीरे धीरे आपसे कन्नी काटना शुरू कर देते हैं। शनि धीमी गति से लंगड़ा कर चलने वाले ग्रह हैं।
इस बात का प्रभाव आप लोगों पर भी देखने को मिलता है। अपने हर काम को धीमी गति से पूरा करना, जीवन के सभी कार्य समय से पूरे ना होना, हर काम में देरी होना, ये सब आपकी जीवन शैली का एक अभिन्न अंग हो सकता है। भले ही आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में आलस करते हो, लेकिन आपकी बौद्धिक क्षमता जबरदस्त होती है, बहुत ही तेज़ दिमाग के होते हैं। भले ही काम को धीरे धीरे आराम से करते हैं, लेकिन मेहनती बहुत होते हैं। जब करने पर आते हैं तो दिन रात की भी परवाह नहीं करते हैं। 8 फरवरी को जन्मे लोगों की सूर्य राशि है कुंभ, यानी कि अक्वेरियस। कुंडली में सूर्य आपकी जिस राशि में होगा वही आपकी सूर्य राशि होगी। सूर्य राशि हमारी सामाजिक छवि को दर्शाती है। आपका सोशल स्टेटस कैसा रहेगा ये हम सूर्य राशि से भलीभांति जान सकते हैं। यहाँ आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जब भी आप अपने कैरियर का चुनाव करें तो अपनी सूर्य राशि और अपने डेस्टिनी को नंबर को देखकर, अपने भाग्यांक के अंक को देखकर चूज करें, क्योंकि हमारी बर्थ डेट हमारी नेचर को दर्शाता है, जबकि हमारा भाग्यांक जो कि ईश्वर के द्वारा दी गई हमारी डेस्टिनी है, हमारी पूरे जीवन की डेस्टिनी। इसलिए आप सभी को अपनी सूर्य राशि और अपने मंथ के अनुसार अपने कैरियर का चुनाव करना चाहिए, तभी आप अपनी मंजिल को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक नज़र अपने आप पर भी डालना चाहती हूँ। मैं आर रूमी, एक काउंसलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। अगर आप भी अपनी लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे उसे पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, जहां आप डिटेल में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के जरिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली प्रेडिक्शन के द्वारा नेम के आधार पर अपनी हर समस्या का समाधान 2 से 3 सेशन में मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात का अवश्य ख्याल रखिएगा कि ये पर्सनल कंसल्टेशन पेड है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं और जान लेते हैं 8 फरवरी को जन्मे लोगों के बारे में थोड़ा और अधिक गहराई से। कुंभ राशि का शनि राहुवत कार्य करता है, इसलिए आप लोगों की छवि एक रहस्यमय व्यक्तित्व की होकर आ जाती है। कुंभ राशि एक दार्शनिक सोच रखने वाली राशि है, विचारक राशि है। आप लोग नए नए विचारों पर परंपरा से अलग होकर कार्य करते हैं। बुद्धि आपकी बहुत तीव्र होती है, तार्किक होती है। तर्क वितर्क करने में, बातों को पकड़ने में, खोजबीन करने में, हर छोटी से छोटी बात की जानकारी रखने के आप इच्छुक रहते हैं। एक्चुअली आप लोगों की बुद्धि पूरी तरह से व्यवहारिक और व्यापारिक होती है, बिजनेस माइंड होती है। बिना मतलब आप किसी से बात नहीं करते, अपनी मान मर्यादा पद प्रतिष्ठा पर किसी तरह की आँच नहीं आने देते। समाज में अपनी छवि सुंदर बनाए रखने के लिए आप हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। मान मर्यादा और पैसा कमाने की इच्छा आपके अंदर बहुत ही तीव्र होती है। पैसों के मामले में आप काफ़ी कैलकुलेटिव होते हैं, यहाँ तक कि मित्र, रिश्ते, प्यार, प्रेम, आप उनका स्टेटस लेवल देखकर अपनी दोस्ती करते हैं। आपके प्रेम में भी व्यवहारिकता देखने को मिल जाती है। धन का महत्व एक्चुअली आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा होता है। बड़े बड़े और ऊँचे ख्वाब पालते हैं। नाम, दौलत और शोहरत, इनकी आप ज़बरदस्त ख्वाहिश रखते हैं। फरवरी की ये कुंभ राशि पुरुष और स्त्रियों दोनों को ही सौंदर्य प्रेमी बनाती है। विपरीत लिंगी के मध्य आकर्षण का केंद्र बने रहना इन्हें बेहद प्रिय है। ये लोग सजने धजने के बेहद शौकीन होते हैं। इनके सौंदर्य प्रेम को इनके रहन सहन में, इनके पहनावे में, या तक कि इनके व्यवहार में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने रहना, उनसे तारीफ की इच्छा रखना इन्हें बहुत प्रिय है। लोगों से मान सम्मान की उम्मीद रखते हैं और जहां इन्हें सत्कार नहीं मिलता वहां ये लोग रुकना भी पसंद नहीं करते हैं। इन लोगों के प्रेम संबंध विवाह से पहले और विवाह के बाद भी बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन ये लोग अपने प्रेम संबंधों का असर अपने दाम्पत्य जीवन पर बिल्कुल भी नहीं पड़ने देते हैं। अपने प्रेम संबंधों की भनक अपने जीवन साथी को भी नहीं लगने देते हैं। ये घर और बाहर दोनों ही जगह अच्छे से बैलेंस बनाकर मेंटेन करके चलते हैं। कुंभ यानी कि घड़ा, उसके अंदर क्या है, उसके भीतर क्या है, इसे बाहर वाला कभी भी जान नहीं पाता। यहाँ तक कि स्त्रियाँ भी घर से बंधे रहना पसंद नहीं करती हैं। वैसे आप लोगों की अपने से बड़ी उम्र वालों के साथ बहुत ही अच्छी बनती है। आप प्यार भी अपने से बड़ी उम्र वालों के साथ करना पसंद करते हैं। अक्सर देखने में आया है कि आपके और आपके जीवन साथी की उम्र में एक अंतर स्पष्ट रूप से नज़र आता है।
एक्चुअली आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में लेना पसंद करते हैं जो विचारों से, तजुर्बे से भरपूर हो, गंभीर हो, मार्गदर्शन करने वाला हो। वैसे आप अपने से छोटी उम्र वालों की भी फेवरेट लिस्ट में होते हैं। किशोरावस्था से ही उम्र से बड़ी सोच रखने लगते हैं। एक गंभीर दार्शनिकता की छाप आपके चेहरे पर दिखाई देने लगती है। लोगों द्वारा फिर आपको प्रायः गलत ही समझा जाता है, जिस कारण आप लोगों से कटे कटे से रहते हैं। प्रेम, कर्तव्य और पद प्रतिष्ठा के प्रति आपके विचार अद्भुत होते हैं, जिस कारण लोग आपको समझ नहीं पाते हैं। लोगों के बीच आसानी से आप घुलमिल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि आप सीधी खरी बात बोलते हैं जो सत्य के करीब होती है। लोग अगर आपकी बातों को ध्यान से समझें तो अवश्य उनको भी लाभ होगा। आप लोगों को अपने आसपास के बारे में पूरी जानकारी तो होती है, लेकिन प्रायः उदासीन ही रहते हैं। आप लोगों को सामाजिक जीवन को भी अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, क्योंकि इन क्षेत्रों में आप सफल हो सकते हैं। सरकारी संस्थाओं और महत्वपूर्ण पदों पर जहां आप दूसरे लोगों को नियंत्रण में रखकर काम करना हो, वहां पर आप खूब सफल रहते हैं। वैसे आप लोगों का कार्य क्षेत्र पर भारी विरोध भी होता है और आप उसका सामना दार्शनिक भाव से करते हैं। 8 अंक वाले लोगों का भाग्य साथ क्यों नहीं दे पाता? अंक 8 और 4 की मिस्ट्री पर बनी मेरी ये वीडियो आप अवश्य देखेगा। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोगों के मित्र अंक बनते हैं 3, 5 और 6। 3 का अंक गुरु, 5 का अंक बुध और 6 का अंक शुक्र। आपके समान अंक हैं 4 और 7, यानी कि राहु और केतु। शत्रु अंक हैं 1, 2 और 9, सूर्य, चंद्रमा और मंगल। आपके लिए इन सब में लकी अंक है 6 का अंक। आप लोगों के लिए शुभ तिथि है 8, 17 और 26। शुभ दिन है शनिवार, रविवार और सोमवार, यानी कि सैटरडे, संडे और मंडे। आपके लिए शुभ रंग है ग्रे कलर, स्लेटी रंग, काला रंग, डार्क ब्लू, पर्पल कलर, जामनी रंग। आप लोगों की दोस्ती और कंपैटिबिलिटी उन लोगों के साथ अधिक घनिष्ठ देखी जा सकती है जो आपके ही समय में पैदा हुए हैं, यानी कि 21 जनवरी से 27 फरवरी के मध्य। और इस बीच में अगर आपके साथी का जन्म 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है तो सोने पे सुहागा। 21 अप्रैल से 27 मई, 21 सितंबर से 27 अक्टूबर, 21 दिसंबर से 27 जनवरी, 21 फरवरी से 27 मार्च, 21 मई से 27 जून और 21 अगस्त से 27 सितंबर के मध्य जन्मे लोगों के साथ आपकी दोस्ती और कंपैटिबिलिटी अच्छे सामंजस्य के साथ देखी जा सकती है। आपका उनके साथ विपरीत लिंगी आकर्षण आसानी से देखा जा सकता है। अगर आप इस समय के बीच में 8, 17 या 26 तारीख को कोई नया कार्य आरंभ करते हैं, कोई शुभ कार्य संपन्न करते हैं, तो ये भी आपके लिए अति शुभ फलदायी साबित होगा। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं, और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं, तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आर रूमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।